ACL सर्जरी के बाद कब दौड़ना होता है, ACL सर्जरी के बाद कब खेलना होता है, और ACL सर्जरी के बाद फिटनेस एग्ज़ाम या फिजिकल फिटनेस या पुलिस फिटनेस के एग्ज़ाम कब दे सकते हैं, ये इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सिंह है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, डॉक्टर संदीप सिंह ऑफिशियल। दोस्तों, बहुत लोग हमारे पास ACL की इंजरी लेके आते हैं और उनके मन में ये क्वेश्चन होता है कि कब वो वापस से खेलना, स्पोर्ट में जाना, और उसके साथ में कई लोगों को एग्ज़ाम देने होते हैं जैसे पुलिस का एग्ज़ाम या कि आर्मी का एग्ज़ाम जिसमें दौड़ना बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वो कब कर पाएंगे। दोस्तों, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ACL इंजरी पार्शियल या कंप्लीट, जो भी ACL इंजरी हुई है, उसके ऊपर कंटिन्यू दौड़ना आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप इंजरी में आप दौड़ते हैं तो आपके घुटने के ऊपर प्रेशर पड़ता है और वो जो इंजरी है वो कंप्लीट के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, और सेकंड, जो आपका घुटना है उसके ऊपर प्रेशर पड़ के घुटना का घिसने का संभावना रहता है। तो अगर आपको ACL इंजरी है तो उस पर दौड़ना मत ठीक कर रहेगा, और अगर आपको ACL इंजरी है तो उसका ट्रीटमेंट करा के दौड़िए। हम देखते हैं ज़्यादातर जो पार्शियल, हाई ग्रेड पार्शियल या कि जो कंप्लीट टेयर होते हैं, उनके अंदर हमें ACL रिकंस्ट्रक्शन या कि कैमरा से ACL सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। जब हम सर्जरी कर देते हैं, एक बार आपका टाइट से ACL बना देते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है कि फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन स्टार्ट कर दी जाए। अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो हम उनमें वीडियोस बनाते हैं कि ऑपरेशन के बाद कौन सी फिजियोथेरेपी करनी होती है, कैसे कैसे करके हमें फिजियोथेरेपी बढ़ानी होती है। बट मन में कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि मैं वापस से खेल पाऊंगा या खेल पाऊंगी कि नहीं, दौड़ पाऊंगा कि दौड़ पाऊंगी कि नहीं, और कौन सा टाइम होता है जब वो हम अलाउ करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि एक बार जब ACL की सर्जरी हो गई तो आपका चलना फिरना तो अगले दिन से स्टार्ट हो जाता है, बट जो दौड़ना है और एक्सट्रीम एक्टिविटी के लिए, उसके ऊपर फिजियो पर बहुत डिपेंडेंट होता है। हम देखते हैं कि पहले 10 से 15 दिन के अंदर हम कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन लाने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि रेंज ऑफ मोशन लाने से हमारा जो ACL है वो ढीला हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। अगर हम पहले 10 दिन के अंदर हमारा घुटना पूरा सीधा से पूरा बेंड यानी 120 डिग्री फ्लेक्शन ले आते हैं तो हमारे घुटने के अंदर आर्थोफाइब्रोसिस या कि घुटना जाम होने का संभावना बहुत कम हो जाता है। तो पहले 10 दिन के अंदर हम यही बोलते हैं पेशेंट को कि घुटना पूरा बेंड करिए, पूरा सीधा करिए। 10 से 12 दिन के बाद जब आपके जो 2-3 जो स्टिच लगे हैं वो जो स्टिच आउट हो जाते हैं, उसके बाद हम पेशेंट को बोलते हैं अपनी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। दोस्तों, ये स्ट्रेंथनिंग दो प्रकार की होती है, एक आपकी कॉर्डिसेप्स मसल की स्ट्रेंथनिंग यानी कि घुटने के आगे की मसल, और दूसरा होती है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग जो कि घुटने के पीछे के मसल। ये एक्सरसाइज हमारे फिजियोथेरेपिस्ट ऑनलाइन कंसल्टेशन की तरह से लोगों को बहुत आराम से समझा पाते हैं। तो अगर आप कहीं पर ऐसी जगह पर हैं जहां आपको फिजियोथेरेपी नहीं मिल रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे फिजियोथेरेपिस्ट आपको हमारे प्रोग्राम में डाल के आपको अच्छे से समझा पाएंगे। दोस्तों, एक बार जब फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो गई तो हम जब स्ट्रेंथनिंग के ऊपर देखते हैं, मेजर करते हैं कि आपकी स्ट्रेंथनिंग कैसे चल रही है, ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो मसल है, कॉर्डिसेप्स मसल है, वो ढीला हो चुका होता है ACL के बाद। एक बात और है दोस्तों, कि जो ACL इंजरी के कितने दिन बाद जो सर्जरी हुई उस पर भी एक फैक्टर होता है। हम देखते हैं कि अगर हम इमीडिएटली ऑपरेशन से 10, 15 या 20 दिन बाद ऑपरेशन कर दें इंजरी से, तो रिकवरी रेट ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि मसल अभी ढीला नहीं हुआ होता है। बट अगर 2 साल, 3 साल, 6 महीना, 1 साल हो चुका है इंजरी होके, तो थोड़ा रिकवरी ज़्यादा टाइम लगता है और एक्सरसाइज ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि जो कॉर्डिसेप्स मसल है वो थोड़ा ढीला हो चुका होता है, तो आपको जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है वो ज़्यादा करनी पड़ती है। हम हमेशा जो कंपेयर करते हैं वो दूसरे पैर से करते हैं। इसमें जो वर्ड यूज़ होता है, जो टेक्निकल टर्म है, उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। तो हम आपका जो आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ को, कॉर्डिसेप्स और हैमस्ट्रिंग को, हमारे पास विभिन्न तरह की मशीन होती है जिसके अंदर हम उसे मेजर करते हैं। ये कोई गेस वर्क वाला काम नहीं है, इसमें हम एग्जैक्टली देख पाते हैं कि अगर आपका लेफ्ट पैर का ACL हुआ है तो लेफ्ट पैर की जो स्ट्रेंथ है और राइट लेग की स्ट्रेंथ है उसमें कितना डिफरेंस है। हम अनुमान देखते हैं कि अराउंड 6 वीक्स टू 12 वीक्स के अंदर हमारे पेशेंट्स की जो आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ होती है अफेक्टेड लेग की, यानी कि जिस पैर का ऑपरेशन हुआ है, कॉन्ट्रालेटर लेग यानी कि जिस पैर का ऑपरेशन नहीं हुआ है, उससे 80% के आसपास आ जाती है 6 हफ्ते से 12 हफ्ते के बीच में। जिन लोगों का रिकवरी जल्दी होता है वो रिकवरी उनकी होती है जिनका मसल स्ट्रेंथ पहले से अच्छा था, तो अराउंड 6 वीक्स में रिकवर हो जाते हैं। बट जिनका मसल स्ट्रेंथ पहले से थोड़ा कम था उन्हें अराउंड 12 वीक्स के आसपास लगते हैं। 6 वीक में रिकवरी हो या 12 वीक में, हम दौड़ने को फिर भी 3 महीने से पहले मना करते हैं पेशेंट को, क्योंकि जो आपका जो ग्राफ्ट का नेचुरलाइजेशन, मतलब कि आपके ग्राफ्ट को आपकी बॉडी या हड्डी के साथ चिपकने के लिए अराउंड 12 वीक्स का टाइम लग जाता है। तो एक बार वो ग्राफ्ट आपकी हड्डी के साथ चिपक गया, उसके बाद वो आपकी बॉडी का पार्ट है, फिर उसका टूटने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो हम सबको वही बोलते हैं कि ऑल्दो आपको 6 वीक्स में ऐसा लग रहा है कि आप दौड़ पाओगे, बट दौड़ना नहीं है,
दौड़ना 3 महीने बाद ही है, और वही तभी दौड़ना है जब डॉक्टर आपको कहे कि आपकी स्ट्रेंथ इतनी आ गई है कि आपकी बॉडी और आपका जो ACL है वो दौड़ना को संभाल पाएगा। हम अराउंड 3 to 4 months पीरियड के अंदर पेशेंट को हल्की जॉगिंग और थोड़ा सा दौड़ना अलाउ कर देते हैं। अगर आप स्लो स्पीड में दौड़ते हैं, हम 1 से 2 किलोमीटर आपको दौड़ना अलाउ कर देते हैं। पर अब बात आती है फुल स्पीड में दौड़ने की और आर्मी की स्पीड में दौड़ने की या पुलिस ट्रेनिंग की स्पीड में दौड़ने के लिए। उसके लिए जो टाइम होता है वो अराउंड 4 to 5 months होता है। उसके लिए भी आपको प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग और प्रॉपर एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत है। बट अगर आपकी स्ट्रेंथनिंग अच्छी है और एक्सरसाइजेस ठीक से हुई हैं तो 4 to 5 months के अंदर आप फुल स्पीड दौड़ना अपने स्पोर्ट के अंदर, अगर आप फुटबॉल प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं, जो भी प्ले आप करते हैं, जैसे आप पहले खेलते थे वैसे आप खेल पाएंगे। और 5 months के अंदर आप अपना जो आर्मी का एग्जाम या जो आपका फिटनेस एग्जाम है उसमें जिस स्पीड में आपको दौड़ने की ज़रूरत है वो आप दौड़ पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको कोई ACL इंजरी है और कोई अपकमिंग एग्जाम है या कुछ दिनों के बाद कोई एग्जाम है, तो उस जैसे मैंने पहले बोला उसमें दौड़ना नहीं है। पहले अपने आप को ठीक कराइए, अपने घुटने को ठीक कराइए और उसके बाद नॉर्मल दौड़िए, क्योंकि एक बार ये ठीक हो गया तो उसके बाद आप ये नॉर्मल जिंदगी भर ही ठीक रहेगा। अगर ACL के बारे में आपको कोई प्रकार का डाउट है तो आप हमें कभी भी हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें मैसेज करेंगे तो हम आपकी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, कि अगर आपको कोई और डाउट है जो आप YouTube में पूछना चाहते हैं, आप चाहते हैं हम उस पर वीडियो बनाएं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें, हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की ACL के ऊपर। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। दोस्तों, आप हमसे हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ACL रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आप देख पाएं। नमस्कार।